चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उससे पहले मेरा डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो में जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से। अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद आज हम स्टडी करेंगे, उससे पहले कल का लेवल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी पे बहुत फोकस किया था कि बैंक निफ्टी ने बहुत ही बेयरिश क्लोज किया है और मे बी बैंक निफ्टी यहां से 24,400 के लेवल और 500 के लेवल पे जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज वो बेयरिश पैटर्न को आप संभालने की कोशिश किया है और ऑलमोस्ट 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं कही जाएगी और कल के लोअर लेवल कल के हाई के आसपास ही बंद किया है। लेकिन निफ्टी का मैंने कल से लाइव मार्केट में मैंने कल के वीडियो में एनालिसिस किया था कि आवर्ली चार्ट पे, आवर्ली आप लोगों को ध्यान होगा कि उस समय 55 के आसपास निफ्टी चल रही थी, उस पे मैंने आवर्ली चार्ट पे ब्रेकआउट का सिग्नल दिया था। और फ्राइडे के सेशन में मैंने एक वीडियो स्टडी के थ्रू शेयर किया था नॉलेज कि मार्केट का 7 दिसंबर तक जो भी है बॉटम आउट होने की तैयारी होगी और इसका जो टारगेट है इस मूव का मैक्सिमम 9,900 का। और फर्स्ट टारगेट मैंने ये भी दिया था कि डबल बॉटम बना के भी निफ्टी यहां से ऊपर उठ सकती है, तो डबल बॉटम बना करके मार्केट को निकलने की चांसेस थी जिसका टारगेट था 9,094, लेकिन उस लेवल को भी तोड़ दिया। तो उसका जो 23% रिट्रेसमेंट था, 23% रिट्रेसमेंट आप निकालेंगे तो 23% जो हायर लेवल से जो रिट्रेसमेंट था निकलने का वो ऑलमोस्ट 10,020 का लेवल था, लेकिन इसने 33 का लो बना करके कल इसने रिवर्सल दिया और अच्छे खासे लेवल पे कल लोअर लेवल पे ही बंद किया। लेकिन आज इसने जो गैप अप खोल करके मार्केट में सरप्राइज मूव दिया है ये बहुत ही एज फॉर गैन टाइम साइकिल के बेसिस पे 7 दिसंबर को मूवमेंट आना था। आज के दिन बेसिक आज बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी गिरावट आती तो आज पैनिक बॉटम बना करके मार्केट को ऊपर जाने का चांसेस दिख रहा था, लेकिन इसने सरप्राइज मूव दिया निफ्टी ने और एक्चुअली निफ्टी में तेजी आने का एक चांस ये भी था क्योंकि बहुत सारे स्टॉकों ने बॉटम बना लिया था और लाइक रिलायंस ने अपना मूवमेंट 2 दिन पहले ही बॉटम बना करके मूव कर चुका था। एसीसी 2-4 दिनों से मूवमेंट की तैयारी कर रहा था और हीरो मोटर कॉर्प कल आफ्टरनून में ही बॉटम बना करके अपने अहम लेवल पे ब्रेकआउट लेवल पे बंद करके और उसने भी आज, और आपका मारुति ऑलरेडी बुल रन में चल रहा है, तो बड़े बड़े जितने भी स्टॉक थे उन्होंने अपना आज तेजी बहुत अच्छे लेवल से रिट्रेस तेजी में रहे हैं। इस कारण से निफ्टी में आज का या कल का, कल तो 8 दिसंबर को तो कंफर्म ही था, लेकिन इसने एक दिन पहले ही अपना बॉटम जो था 123% रिट्रेस करके वहां से अच्छे खासे लेवल से मूव किया है। और इसका अब आने वाले टाइम में क्या टारगेट निकलेगा उसकी हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। उसके लिए जो हमारा गैन टाइम लेवल एनालिसिस है इंट्राडे का, उसका भी हम स्टडी करेंगे और इसने कहां कौन से पॉइंट पे अहम ब्रेकआउट लेवल था वो हमने अपने ग्रुप को मॉर्निंग में ही सजेस्ट कर दिया था लगभग आफ्टरनून के सेशन में कि अगर निफ्टी 10,130 के ऊपर सस्टेन करता है तो ब्रेकआउट 100% मिलने की चांसेस है, जिसका टारगेट 10,230 तक टारगेट निकल के आ रहा है। अब वो किस बेसिस पे करते हैं, तो जो भी इसका बॉटम बना है बाजार का उस बॉटम से हम 180 डिग्री जाने की तैयारी करते हैं। तो 180 डिग्री जो 33 का लो है तो उसका 180 डिग्री का टारगेट जो है वहां तक हम मूव करेंगे। तो 90 डिग्री का जो लेवल था 10,083 यहीं से इसने ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने और उसका जो टारगेट है 10,130 यहां से इसने अपना रियल ब्रेकआउट जो था वो उसने अचीव किया।
288। थर्टी थ्री के बेसिस पे जो इसका टारगेट है उसके बेसिस पे इसका नेक्स्ट टारगेट जो है, सॉरी 90 डिग्री का जो टारगेट था 130, सॉरी 130, और 180 डिग्री का जो टारगेट है 225, 10,225 मीन्स कि 10,230, 235, 240 तक हम निफ्टी में कल के सेशन में देखेंगे। एक्चुअली 90 डिग्री अचीव होने के बाद नेक्स्ट 180 डिग्री, 90 डिग्री बहुत ही फास्ट मूवमेंट की तरफ होता है और 180 डिग्री की तरफ हम टारगेट अचीव करेंगे, जिसका टारगेट है 240 के आसपास। अब देखते हैं आज के इंट्राडे के बेसिस पे क्या लेवल निकल करके आई है, वो हम सबसे पहले एनालाइज करते हैं। 10,191 के ऊपर बाई बनता है, टारगेट होगा 260, सॉरी 10,217, और जो 75 डिग्री टारगेट है 250। लेकिन जो टारगेट थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट टारगेट है, एज फॉर रेजिस्टेंस ये काम करने वाला है। तो 10,230 पे बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस मिलेगा और वहां तक निफ्टी जा सकती है, लेकिन इन बिटवीन स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी आने की चांसेस है। बहुत सारे स्टॉक अच्छे खासे लेवल से बाउंस किए हैं और बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट जनरेट हुआ है, उसका हम सेकेंड वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने अपना अहम लेवल से 50 डेज मूविंग एवरेज को कल उसने ब्रेक किया था, लेकिन वहीं से बाउंस करना एक ये सपोर्ट दिखाता है कि 50 यहां से एक नई तेजी आने की चांसेस है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो पुराना हाई है उसका कम से कम 50% रिट्रेस करेगा, और कल की क्लोजिंग हम एक बार देखेंगे, उसके बाद हम वीकली लेवल एनालिसिस में नेक्स्ट वीक का टारगेट निकालेंगे कि बैंक निफ्टी और निफ्टी गैन टाइम साइकिल के बेसिस पे क्या नेक्स्ट टारगेट, इस तेजी का आने वाले टाइम में तेजी का टारगेट क्या मिलेगा, उसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्योंकि अब कल फ्राइडे का सेशन है और कल एक तेजी 100% आएगी ही आएगी, इसका कोई क्योंकि अभी 3 दिनों से मार्केट जो निचले लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था, ये बहुत ही अच्छा हेल्दी करेक्शन हुआ है, और यहाँ से इसका नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो कल एक छोटी सी शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसके बेसिस पे नेक्स्ट मूव जो नेक्स्ट हफ्ते के लिए होगा वो बुल रन के लिए, नेक्स्ट बुल रन के लिए आप तैयार रहिए निफ्टी के लिए। मतलब जो शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड चालू हो चुका है, शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया, उसी तरीके शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड अभी यहां से बाकी है, और कहां तक जाएगा उसका हम कंप्लीट फ्राइडे के वीडियो में एनालिसिस करेंगे। लेकिन कल के सेशन में शॉर्ट कवरिंग और वीकली क्लोजिंग भी है तो अहम होने वाला है। तो बैंक निफ्टी के बेसिस पे जो लेवल निकल कर क्या है, बाई लेवल 25,100 के ऊपर बाई बनता है, टारगेट है 25,200 और 350, और सेल ले सकते हैं। 25,000 का लेवल टूटता है तो 24,900 के टारगेट के लिए सेल कर सकते हैं, लेकिन चांसेज है ऊपर ही जाने का। तो ये रहा हमारा आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस, और आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 198 है और 160 स्टॉक में ही बेयरिश पैटर्न बना है। तो एज फॉर एनालिसिस जो हमारा गैन टाइम साइकिल, आपने वीडियो अगर देखा होगा कल के मॉर्निंग में जो लाइव मार्केट में एनालिसिस किया था, उसमें भी मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया था कि मार्केट यहां से बॉटम आउट होने की तैयारी कर रहा है। सेकंड थिंग, मैंने डीएलएफ में एक शॉर्ट पोजिशन डेवलप करने के लिए बोला था और उसमें क्लियर बोला था कि डीएलएफ यहां से ऊपर नीचे करके ही गिरेगा, तो उसमें शॉर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, और जिन्होंने शॉर्ट बनाया है उनको पहले ही हमने सजेस्ट किया था कि यही टॉप आउट फॉर्मेशन हो रहा है और टॉप आउट होने में टाइम लगता है। तो और 242 का मैक्सिमम उसका अपसाइड का टारगेट है, और इंट्राडे में बेशक ऊपर चला जाए लेकिन वहां से एक गिरावट आएगी। मैंने पहले भी एक वोल्टास को सेल करने के लिए 2630 पे सलाह दिया था, लेकिन वो 650 का हाई बना के गिरा। तो इस तरीके से जो बड़े पोजिशनल ट्रेडर हैं उन्हीं के लिए सब कॉलें होती है, जिसमें पहले ही सजेस्ट कर दी जाती है कि ये अभी से गिरावट नहीं होने वाला है और वो ट्रेंड अभी डेवलप कर रहा है, उसके बाद ही गिरेगा। तो इस तरीके से जो भी स्टॉक में आप काम करें, कम से कम पोजिशनल और उसका रिस्क रिवार्ड देख के ही काम करें, क्योंकि मेरा जो व्यू होता है पोजिशनल होता है, ना कि इंट्राडे।
तो मार्केट में मेरा पोजिशनल एनालिसिस पहले से ही था कि 7 दिसंबर तक बाजार में जो भी टॉप या बॉटम बनता है उसको बनने के बाद ही हम काम करेंगे। कल से हमें ट्रेंड मिल गया अप ट्रेंड का, अब हमें अप ट्रेंड के लिए काम करना है। नेक्स्ट वीक के लिए कंप्लीट हम एनालिसिस भी करेंगे और कल भी अप ट्रेंड में ही रहने वाला है बाजार। और उसमें जो बॉटम आउट वाले स्टॉक हैं, वैसे मैं अलग से स्टॉक का एनालिसिस करूंगा, लेकिन ITC पे आप लोग वॉच कीजिए और उसका चार्ट स्टडी कीजिए। ये मेरा स्टॉक रहेगा और कंप्लीट अदर वीडियो में मैं कोशिश करूंगा स्टॉक पे चर्चा। हो सकता है कल मॉर्निंग में मैं लाइव मार्केट में ही स्टॉक पे चर्चा में कुछ स्टॉक लेकर के आऊँ। तो ये रहा हमारा आज का स्टडी और एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।